हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट कैसे देखें, आप क्या पास हो अप्रेंटिसशिप में या फेल हो, या आपका प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है, अभी वो पेंडिंग दिखा रहा है, आपको सेशनल मार्क्स चढ़ गया है कि नहीं चढ़ा, या सेशनल मार्क कितना मिला है, सारा डिटेल है इसमें आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट खोलें। वेबसाइट खोलने के लिए आपको क्या करना है, apprenticeship.gov.in यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको गूगल में टाइप कर देना, सेव इंटरफेस यही आपका पेज खुल जाएगा, या फिर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप इसी पेज पे पहुँच सकते हैं। देन अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, जो AITT रिजल्ट स्टेटस जो लिखा हुआ है इस पर हमको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ रिजल्ट स्टेटस लिखा आ रहा है, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। फिर से हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए इसमें कुछ रिक्वायरमेंट मांगा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर उसे कहते हैं जो आपने अप्रेंटिसशिप का जब पहली बार कभी भी रजिस्ट्रेशन किया था, जो ए से स्टार्ट होता है, A12 18 29 12, ऐसे का जो कुछ नंबर रहता है वो वाला आपको यहाँ पर फिलअप करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना सेशन डालना है, कौन से सेशन में आपने अप्रेंटिसशिप किया था। चलिए इस डिटेल को हम भर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। चलिए हमने अपना देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया जो ए से स्टार्ट है, और अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया और सेशन भी हमने डाल दिया। अब सर्च वाले आइकन पर हमको क्लिक करना है और अपना रिजल्ट देख लेना है। चलिए हम सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए सर्च वाले आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आ जाता है, तो आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा ये रहा, सेशन हमारा ये रहा, अप्रैल 2019 में हमने किया था, और यहाँ पर आपको क्या देना है, देखिए सेशनल मार्क जो लिखा हुआ है, सेशनल मार्क जो है यस वो कम्प्लीट कर दिया उन्होंने, चढ़ा दिया है, और सेशनल रिजल्ट जो है वो पास है, इन सेशनल मार्क में हम पास भी हैं, इतना भी हमको मालूम पड़ गया। मेन मार्क्स है जो मेन मार्क्स होता है वो भी अपलोड कर दिया, तो यस यहाँ लिखा रहा है, और रिजल्ट स्टेटस में भी पास लिखा आ रहा है, यानी कि हम पास हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये डिटेल भी आ रही है, हमने कहाँ से अप्रेंटिसशिप किया है, तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट का नाम आ रहा है जहाँ से आपने किया था, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न 2nd हाथरस से हमने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किया है। देन इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, और इसका अथॉरिटी, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है अप्रूविंग अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ पर भी मेंशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जाता है, वो आप ऐसे अपना अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना अप्रेंटिसशिप का मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, वो आप नेक्स्ट हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, अगर नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत